डॉक्टर संजय धनखड़ के किडनी कांड को लेकर एक और खुलासा। बिना एनेस्थेटिक के किया था डॉक्टर संजय धनखड़ ने ऑपरेशन। एनेस्थेटिक के बिना ऑपरेशन करना जान को संकट में डालने जैसा। सर्जन होते हुए खुद ही न्यूरोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिक बन गए थे डॉक्टर धनखड़। इसके अलावा ऑपरेशन से पहले और बाद में नहीं करवाई गई बायोप्सी। सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने रिपोर्ट को लेकर दी चेतावनी। बोले, 5 विशेषज्ञ चिकित्सकों ने काफी बिंदुओं पर मानी है लापरवाही। एनेस्थेटिक के बिना ऑपरेशन बायोप्सी न करना गंभीर विषय। झुंझुनू के डॉक्टर संजय धनखड़ के किडनी कांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर संजय धनखड़ के खिलाफ प्राप्त हुई शिकायत के बाद जो 5 विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमेटी का गठन किया गया था, उसमें कई बिंदुओं पर डॉक्टर संजय धनखड़ की लापरवाही मानी गई है। सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने बताया कि मुख्य रूप से डॉक्टर संजय धनखड़ ने ऑपरेशन में एनेस्थेटिक का सहयोग नहीं लिया। वहीं ऑर्गन से जुड़ा ऑपरेशन होने के बावजूद न तो ऑपरेशन से पहले और न ही ऑपरेशन के बाद में बायोप्सी करवाई। ये दोनों ही चीजें चिकित्सक की गंभीर लापरवाही है। बिना एनेस्थेटिक के ऑपरेशन करना एक तरह से मरीज की जान के साथ खेलने जैसा है। जांच रिपोर्ट में 5 विशेषज्ञ चिकित्सकों ने यह भी माना है कि खराब किडनी की जगह डॉक्टर संजय धनखड़ ने सही किडनी निकाल दी। सही किडनी निकालने के बाद भी जिस तरह से वो किडनी ट्रे में रखी गई थी वो संक्रमित हो गई, उसके निस्तारण को लेकर भी बायो वेस्ट कानून की अवहेलना की गई है। डॉक्टर डांगी ने बताया कि डॉक्टर धनखड़ का राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए निदेशालय को लिखा जा चुका है। आगामी कार्रवाई वे ही करेंगे। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट संबंधी खुलासे के बाद तय हो गया है कि डॉक्टर धनखड़ एक सामान्य सर्जन थे जिन्हें किडनी का ऑपरेशन करने के लिए कम से कम न्यूरोलॉजिस्ट का सहयोग लेना चाहिए था। यही नहीं, बिना एनेस्थेटिक के ऑपरेशन करना मरीज की जान के साथ खेलने जैसा है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशों के बाद हमने एक 5 सदस्य विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया था। विशेषज्ञ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उसमें डॉक्टर धनखड़ के द्वारा जो मेडिकल नेग्लिजेंस है वो मानी गई है, चिकित्सक की लापरवाही मानी गई है, और उससे संबंधित जो रिपोर्ट है वो जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से और SP साहब को प्रेषित की जा सकी। इस मामले में मुख्य रूप से बिना एनेस्थेटिस्ट के सर्जरी करना, इसके अलावा ऑर्गन को निकालने के लिए बायोप्सी की जाती है, निकालने के बाद बायोप्सी की जाती है, जो बायोप्सी नहीं की गई। तीसरा, जो संक्रमित दायां गुर्दा था उसकी बजाय स्वस्थ बाएं गुर्दे का निकाला गया, ये चिकित्सक की लापरवाही की श्रेणी में आते हैं। जैसा कि मैंने परिजनों के पास जो वीडियो था वो देखा था, तो किडनी ट्रे के अंदर किडनी थी, और जब इस तरह से किडनी ट्रे में किडनी आती है तो वो संक्रमित हो जाती है। अब डॉक्टर साहब का कहना है कि उसके बाद मैंने उसको परिजनों को दे दी थी, परिजनों का कहना है कि हमें नहीं दी गई है। संबंधित जांच अब पुलिस के दायरे में है, इसके बारे में पुलिस जांच करेगी। जो बायोप्सी की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई, वो भी एक मेडिकल नेग्लिजेंसी में आती है, उस पर पुलिस अपने अनुसार कार्रवाई करे। अभी डायरेक्टर महोदय को जो मेडिकल नेग्लिजेंसी है उस बाबत सूचना प्रेषित कर दी गई है, अब निदेशालय स्तर से इस संबंध में कार्रवाई की जानी प्रस्तावित। विभाग द्वारा अब हमारे द्वारा कुछ दल गठित किए जाएंगे, जो इस जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनके जो मानक हैं उनकी जांच करेंगे, और जांच में जो मानकों की अगर अवहेलना पाई गई तदनुसार तेजी से कार्रवाई की जाएगी।